जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज पर। तो दोस्तों, एक स्टेनोग्राफर की बहुत शानदार वैकेंसी का अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, जो कि डायरेक्टली निकल कर आ रहा है आपके दोस्तों ITBP गृह मंत्रालय में। दोस्तों, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स पुलिस फोर्स है, जो कि दोस्तों आपके तिब्बत और भूटान है में दोस्तों तैनात रहती है भारत के साथ साथ। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दोस्तों, इसमें आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट आउट हुई है, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। दोस्तों, बहुत शानदार पोस्ट है, मैं डिटेल में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बात करें इस पोस्ट के बारे में, इन्होंने एक डिटेल नोटिफिकेशन आउट किया है, मतलब शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट किया है। डिटेल आपके नोटिफिकेशन 8 जून को आउट होगा और ऑनलाइन आवेदन भी 8 तारीख से 8 जून को स्टार्ट होंगे। दोस्तों, यहाँ पर सैलरी लेवल 5 यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों आपकी जो कि फर्स्ट मंथ इनिशियल सैलरी दोस्तों आपके 50,000 के समथिंग यहाँ पर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, HR DRA जोड़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पर लेवल 5 इन्होंने रखा है। दोस्तों, आगे बात करूँ इसमें पोस्टों की, तो दोस्तों इन्होंने बता दिया है कि ASI मेल के लिए 7, अनरिजर्व की SC की 2 है, OBC की 8 है, EWS की 2 है, टोटल 19 पोस्ट यहाँ पर रखी है। ASI फीमेल के लिए दोस्तों 1 पोस्ट अनरिजर्व की, 1 पोस्ट OBC की यहाँ पर रखी है। दोस्तों, सबसे बढ़िया एक चीज़ देखने की बात है, यहाँ पर ST की पोस्ट नहीं है, लेकिन जो भी SC की कैंडिडेट है, मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अनरिजर्व में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बट उनको फाइट अनरिजर्व की कैटेगरी के अनुसार ही करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों बी कैटेगरी में एक और ASI की पोस्ट है, लेकिन ये सिर्फ जो पर्टिकुलर पहले से ITBP में हेड कांस्टेबल वगैरह, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूँ, दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्होंने बताया है। फीस की बात करें तो आपके 100 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है, SC ST वालों के लिए फ्री है। दोस्तों, चीज़ का ध्यान रखिए। और दोस्तों, अगर ST वाले बंदे अनरिजर्व में आवेदन भी करते हैं तो उनका फॉर्म फ्री ही भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इस वजह से। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ ASI के लिए, तो दोस्तों आपके 18 से 25 साल यहाँ पर एज रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, बट SC OBC एक्स सर्विस मैन को यहाँ पर छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आपके एज रिलेक्शन में छूट दी जाएगी। और दोस्तों, बात करें कि आपके 18 साल कब तक हो जानी चाहिए, तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 से पहले पहले आपके 18 साल के हो जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर उसके बाद आपकी होती है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपका जन्म मतलब 2 जनवरी 1997 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये भी मेंशन किया। तो दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स का ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, 10+ पेपर रखा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी मतलब बोर्ड से। और दोस्तों, बात करें डिटेक्शन की, आपका दोस्तों स्किल टेस्ट, आप जब रिटन टेस्ट और आपका फिजिकल वगैरह क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होगा, जो आपका 10 मिनट का होगा। हिंदी वालों के लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखी गई है, और इंग्लिश वालों के लिए भी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड यहाँ पर रखी गई है। हिंदी वालों को दोस्तों 65 मिनट यहाँ पर टाइपिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, 50 मिनट इंग्लिश वालों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, ये जो भी इसमें LDCE की पोस्ट ASI स्टेनो की, वो पर्टिकुलर उनके लिए है जो पहले से ITBP में हेड कांस्टेबल वगैरह है, वो भी स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए अलग पोस्ट है, ये उनके लिए थी। दोस्तों, चौथे नंबर के पॉइंट में ये बताया इन्होंने, ऑनलाइन आवेदन होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन होंगे, और दोस्तों 8 जून से स्टार्ट आपके यहाँ पर होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आगे बात करें, इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई है एडमिट कार्ड वगैरह की, आप इसकी वेबसाइट जाकर चेक करना, इन्होंने कुछ बताया है। इसके आगे दोस्तों, मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो दोस्तों आपके 4 चरणों में आपके कंप्लीट होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके दोस्तों पहले PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा, एंड दोस्तों उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू। दोस्तों आपके मतलब टोटल बोले तो दोस्तों 5 प्रोसीजर रहेंगे, आपके मेडिकल होगा, और दोस्तों आपका फिजिकल होगा। इसके अलावा दोस्तों फिजिकल होता है, लेकिन वो PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड, उसमें आपको बॉडी को चेक किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार का ध्यान रखिएगा, तो क्योंकि दोस्तों आर्मी की वैकेंसी है, तो ये आर्मी की वैकेंसी में होता ही है। 7 प्रोसीजर की बात करें तो दोस्तों इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके 8 तारीख को आएगा। और दोस्तों इन्होंने बताया कि जो भी प्रोसीजर अपनाया जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट 2015 का अमेंडमेंट, उसके थ्रू यहाँ पर ये भर्ती कंडक्ट होगी। ऑनलाइन आवेदन आपके 8 जून को स्टार्ट किए जाएंगे, और इसके अलावा दोस्तों 7 जुलाई आपके लास्ट डेट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मैं इसमें बता दूँ, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपके सिलेबस में दोस्तों, वैसे तो इसकी वैकेंसी पहले कभी कंडक्ट हुई नहीं, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक है दोस्तों आर्मी की वैकेंसीज में देखा जाता है कि आपके 100 नंबर की इंग्लिश, 50 की GK और 50 की रीजनिंग पूछी जाती है। फिर भी दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों इंटरेस्टेड पीपल इसके लिए आवेदन करें। और दोस्तों जहाँ तक है, आपके एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया यहाँ पर रहेंगे पर्टिकुलर, तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। और दोस्तों
इसमें मतलब आपके फिजिकल होगा, शॉर्ट में बता देता हूँ, फिजिकल आपके होगा, मेडिकल होगा, और आपके एफिशिएंसी मतलब PST होगा, और फिर स्किल टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट तो होगा ही। तो दोस्तों टोटल 5 प्रोसीजर इसमें अपनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी चीज़ में देखने को मिले, इसका पे लेवल लेवल 5 है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो कि दोस्तों आपकी फर्स्ट मिनिस्टर चली 50,000 के समथिंग यहाँ पर बनकर आएगी अगर आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो। और दोस्तों इन्होंने इस नोटिफिकेशन में साफ बताया कि आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी या तो मतलब जो भी बॉर्डर एरियाज है ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है, या फिर अब्रॉड जो कि नेपाल और भूटान के लिए यहाँ पर बताए गए वहाँ पर भी आपकी हो सकती है। तो दोस्तों ये कंप्लीट में बात थी, और दोस्तों जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन 8 तारीख को आएगा मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, न्यू वैकेंसी की जानकारी मैं चैनल पर लाते रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।